गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए अपने जो लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ तक कंप्लीट किया था द कंडीशंस ऑफ सर्टिफिकेट एंड वैलिडिटी पीरियड। जो सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन होता है वो वैलिड होता है आपका 5 साल तक। नेक्स्ट जो हमारा कंडीशंस है दैट इज रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट। कोई भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अगर डिजायरस है, मतलब इच्छा रखती है कि उसे रिन्यू करवाना है अपना रिकॉग्नाइजेशन जो उसे बोर्ड ने दिया है, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन दे सकती है फॉर द रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट। ये जो एप्लीकेशन है उसे कब देनी है? जब आपका जो रिकॉग्नाइजेशन का सर्टिफिकेट है वो ख़त्म होने वाला है, उसके 3 महीने पहले आपको जो एप्लीकेशन है वो देनी है। जो एप्लीकेशन होगी रिन्यूअल की वो रिन्यूअल फ़ी के साथ आपको देनी है, और रिन्यूअल फ़ी है आपकी 3 लाख रुपीस। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्निंग बॉडी की। सभी स्टॉक एक्सचेंजेस की सेपरेट गवर्निंग बॉडी होती है। जो गवर्निंग बॉडी होती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की, उसके पास गवर्नमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है। उसके पास पावर है बनाने की, अमेंड करने की या सस्पेंड करने की जो भी रूल्स, बायलॉज, रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज ने बनाए हैं। उसके पास कंप्लीट ज्यूरिडिक्शन है सभी मेंबर्स के ऊपर, एब्सोल्यूट पावर्स है मैनेजमेंट और कंट्रोल की। जो गवर्निंग बॉडी होती है, बोर्ड्स होते हैं आपके, गवर्निंग बॉडी जो है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट और सेबी के नॉमिनीज होते हैं। जो गवर्नमेंट और सेबी के नॉमिनीज हैं उन्हें जो अपॉइंट करता है, जो गवर्नमेंट है और जो सेबी है, उसके पास पावर है नॉमिनेट करने की जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होगा स्टॉक एक्सचेंजेस का, और अप्रूव करने की जिसको भी आपने चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर अपॉइंट किया है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं गवर्निंग बोर्ड में। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके पास कंट्रोल होता है मेंबर्स को कंट्रोल करने का, जिसमें वो उनके एडमिशन, एक्सपल्शन, एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज, रेगुलेशन ऑफ मार्केट और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्सेट्रा से रिलेटेड जो है वो डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डी म्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। इसमें इसका मीनिंग करेंगे हम सिर्फ, और हमें इसमें इसकी डिटेल्स नहीं करनी है। कॉर्पोरेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जो कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डी म्यूचुअलाइजेशन टर्म्स हैं स्टॉक एक्सचेंज की, वो डिफाइन की गई हैं अंडर Section 2AA एंड Section 2AB सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में। उसके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब है कि अगर कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है जो एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, वो इनकॉर्पोरेट होता है एज अ कंपनी किस पर्पस के लिए? असिस्ट, रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए फॉर ऑफ द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज वो इंडिविजुअल्स और वो सोसाइटी जो करना चाहती हैं, उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन। मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि आप पहले रजिस्टर्ड हैं अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, उससे निकलकर आप अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं एज अ कंपनी जो भी आपका बिजनेस है, असिस्ट, रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए ऑफ बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज कैरिड ऑन बाय सच इंडिविजुअल और सोसाइटी। देन आती है टर्म डी म्यूचुअलाइजेशन। डी म्यूचुअलाइजेशन का मतलब है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो ऑनरशिप है और जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग पर्सन के पास है, उसी को हम डी म्यूचुअलाइजेशन कहते हैं। डी म्यूचुअलाइजेशन मीन्स सेग्रीगेशन, अलग अलग करना ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट को, किससे? जो भी ट्रेडिंग राइट्स हैं मेंबर्स के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के, उसको इन अकॉर्डेंस विद जो भी स्कीम जो है अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एज पर Section 4A ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट जो भी आपके रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन्हें कॉर्पोरेटाइज्ड एंड डीम्यूचुअलाइज्ड किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन Section 4B। इस टॉपिक में आपने यही करना है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको नहीं करना है। करेक्ट,
तो ये आपका जो रेगुलेशन है स्टॉक एक्सचेंजेस का, यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज प्रोसीजर फॉर डीलिंग एट स्टॉक एक्सचेंजेस। थैंक यू सो मच।